पिछले क्लास में हम सेमीकंडक्टर के बारे में बताए थे ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो जो इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं प्योर सिलिकन और जर्मेनियम में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। तो अभी हम लोग है ना डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डोपिंग किसको बोलते हैं। तो देखो, प्योर सिलिकन और जर्मेनियम का जो कंडक्टिविटी होता है वो लो होता है एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक ना। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि प्योर सिलिकन एंड जर्मेनियम, ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकन एंड जर्मेनियम इज़ लो एट रूम टेम्परेचर। और कंडक्टिविटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकन एंड जर्मेनियम इज लो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। द कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय द कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम क्या बोले कि द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकन एंड जर्मेनियम इज लो एट रूम टेम्परेचर, द कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, ठीक है ना। हम लोग जो है ना डोपिंग दो तरह का पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ में पढ़ेंगे और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो पहले है ना इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम थ्योरी में इसको बताएंगे। बहुत सिंपल है, ध्यान से जरा समझना। ये सिलिकन का क्रिस्टल है, सिलिकन का कितना होता है एटमिक नंबर? 14 होता है ना, 14। तो 14 को लिखते हैं ना हम लोग सिलिकन, ठीक है ना। तो सिलिकन का कितना हुआ? 284, 14, ग्रुप 14 में है, ठीक। तो सिलिकन का फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना कोवेलेंट बॉन्ड अपने नेबरिंग सिलिकन एटम से बनाएगा? फोर कोवेलेंट बॉन्ड अपने नेबरिंग सिलिकन एटम के साथ बनाएगा, क्योंकि इसके पास फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो है ना। अब इसमें हम ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज हमको डोप्ड करना है, तो हम इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम डोप करें। ग्रुप 15 आ जाओ, ठीक है। ग्रुप 15 में क्या है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 15 होता है, तो कैसे लिखेंगे? 285। अब ध्यान से देखना, ये सिलिकन है, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकन में, तो अपने नेबरिंग सिलिकन एटम के साथ कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? फोर। जब हम इसको डोप्ड किए 15 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना, तो कुछ लैटिस से सिलिकन हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस आ जाएगा। तो देखो, सिलिकन हट गया, उसकी जगह क्या आ गया? फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 5 था। आफ्टर फॉर्मिंग फोर कोवेलेंट बॉन्ड विथ सिलिकन, वन इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बच गया, ठीक है ना, जो डीलोकलाइज्ड हो गया। डीलोकलाइज्ड मतलब उसको जगह नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम लोग? मोबाइल, ठीक है ना। मोबाइल मतलब क्या होता है? मूविंग। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मूव हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर है ना, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो खुद ही बताओ कि इसमें हम लोग को क्या क्या पॉइंट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है ना,
डोप्ड विथ, ठीक है, किसके साथ डोप्ड किए, डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, तो डिटेल में क्या लिखेंगे कि सिलिकन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दे फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकन एटम, दे फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकन एटम्स, नेबरिंग सिलिकन एटम्स, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, व्हेन इट इज डोप्ड विथ किसके साथ, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, एग्जाम्पल फॉस्फोरस, ठीक, तो क्या होता है, सम ऑफ द लैटिस, सम ऑफ द लैटिस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस एटम, ठीक है, और फॉस्फोरस एटम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, तो क्या लिख रहे हैं, फॉस्फोरस एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, आफ्टर फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ सिलिकन, 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ सिलिकन, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट विच बिकम्स, क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज, जगह नहीं मिलना, डीलोकलाइज मतलब विच बिकम्स डीलोकलाइज्ड एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख लो, ग्रुप 14 एलिमेंट्स डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, सिलिकन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकन एटम, ठीक है, व्हेन इट इज डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉस्फोरस, ठीक है ना, सम ऑफ द लैटिस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉस्फोरस एटम्स, ठीक है ना, कुछ लैटिस जो है साइट्स वो फॉस्फोरस एटम के द्वारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, फॉस्फोरस एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होता है, आफ्टर फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ सिलिकन 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट विच बिकम्स डीलोकलाइज, क्यों, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं है बॉन्ड बनाने में, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। इस तरह का जो डोपिंग होता है उससे हमको एन टाइप सेमी कंडक्टर तैयार होता है। तो एक बार इसको देख लो, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, वेन ग्रुप, लास्ट पॉइंट जो होगा वो मेरा स्टार मार्क करके होगा, क्या स्टार मार्क करके होगा कि वेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, वेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स बिहेव्स एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिहेव्स एज एन टाइप सेमी कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटीज़ के साथ डोपिंग पढ़ेंगे, डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटीज़, ठीक।
हेडिंग हो जाएगा डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं था। ग्रुप 14 में क्या था? सिलिकन था। सिलिकन का कितना था? 284 था। तो अभी तो हम लोग बनाए थे ना कि सिलिकन अपने नेबरिंग सिलिकन एटम से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कमी उसमें ग्रुप 15 के साथ डोप्ड किए थे, इसमें क्या करेंगे? ग्रुप 13 के साथ डोप्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें 13, ग्रुप 13 में आ जाओ। एग्जाम्पल बोरोन, ठीक है ना? तो बोरोन का कितना है? आउटरमोस्ट में 3 हो गया। ठीक है, बोरोन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 3, 13 में अल्मोनियम हो गया, बोरोन हो गया, उसके साथ हम लोग इसको डोप्ड करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही डोप्ड करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो यहाँ हम डोप्ड किए तो यहाँ क्या आ गया? बोरोन आ गया। ठीक, इसके पास तो 3 ही है ना, तो यहाँ कमी हो गया। कमी को किस से दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो ये पॉजिटिव होल, अब सोचना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉजिटिव होल जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये ध्यान से ज़रा समझना कि देखो ये प्लस को देख के सिलिकन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन सिलिकन का, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी भी हो रहा है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली हो रहा है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, ठीक है ना, इस प्लस के पास आएगा, तो फिर प्लस के पास आया तो प्लस चार्ज कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फिर इधर से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इस साइड जा रहा है और प्लस चार्ज का मूवमेंट क्या हो रहा है? इस साइड आ रहा है। तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है तो उसको कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? पी टाइप। फिर से ध्यान से यहाँ समझ लेना, सिलिकन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया नेबरिंग सिलिकन एटम के साथ। हम यहाँ ग्रुप 13 एलिमेंट्स को डोप्ड किए, इसके साथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकन के साथ बना रहा है, पर इसको कमी है ना, तो कमी को किसे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। इस पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव होल बोल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव होल कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन इस होल में मूव करेगा, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ कमी हुआ, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ही ना मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लाइन ग्रुप 14 एलिमेंट्स डोप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे फॉर्म कैसा बॉन्ड बना रहा है 14 के साथ? दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है ना, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन वैकेंसी और होल। ठीक है ना, दीज होल मूव्स लाइक अ, दीज होल मूव लाइक्स अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है ना? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब ग्रुप 14 एलिमेंट्स को डोप्ड करेंगे 13 एलिमेंट्स के साथ, तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर तैयार होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, ग्रुप 14 एलिमेंट्स डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स बिहेव्स लाइक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी रहता है कि किसे एन टाइप बनता है, किसे पी टाइप बनता है. फिजिक्स में भी तुम लोग को पढ़ना है इसको, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से, जब हम लोग ज़्यादा वाले के साथ डोप्ड करेंगे तो एन टाइप, और कम वाले के साथ डोप्ड करेंगे तो पी टाइप. क्लियर है ना? फिर से देख लो एक बार, ग्रुप 14 एलिमेंट्स को डोप्ड किए 13 एलिमेंट्स के साथ, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है. ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी और होल. दिस होल मूव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक, अब इसका यूज़ तुम लोग को पढ़ना है. ठीक, कुछ का कम्बिनेशन है कुछ ग्रुप का कि जो भी वो भी वैसे ही बिहेव करता है सेमीकंडक्टर की तरह, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है. कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ सेमीकंडक्टर. ठीक, एग्जांपल देख लो, ग्रुप 12 में जिंक है और 16 में सल्फर है. एवरेज जो है ना, इन लोग का एवरेज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है. एवरेज अगर निकालेंगे, ठीक है ना, तो एवरेज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, कंडक्शन होता है. एक और का कम्बिनेशन बना है, कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ठीक है, इसका एग्जांपल 13 में अल्मोनियम और 15 में फॉस्फोरस. ये भी बिहेव्स करता है कैसे, सेमीकंडक्टर की तरह. तो ये दोनों कम्बिनेशन ध्यान में रखना है. अब तुम लोग को पढ़ना है यूजेस, हम लोग को पढ़ना है यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक है ना, तो सबसे पहले यूजेस में, यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है डायोड के बारे में. ठीक, डायोड क्या होता है? तो डायोड है कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड एज अ रेक्टिफायर. ठीक है ना, एम्पलीफाई करता है रेडियो सिग्नल को. फिजिक्स में पढ़ोगे इसको. ठीक है, सेकंड है ट्रांजिस्टर. ये फर्स्ट है, सेकंड है ट्रांजिस्टर. इसको बोलते हैं सैंडविच सेमीकंडक्टर, सैंडविच सेमीकंडक्टर्स. सैंडविच कैसे, एन पी एन. देखो तो सैंडविच हुआ ना, दो एन के बीच में पी और पी एन पी. ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया. थर्ड है सोलर सेल. सोलर सेल के बारे में तो तुम लोग जानते हो, क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. लाइट
energy changes into electrical energy. क्लियर है? एक बार देख लो. डायोड बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड एज अ रेक्टिफायर. ट्रांजिस्टर हो गया. सैंडविच सेमीकंडक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? एन पी एन और पी एन पी सेम पी एन पी सेमीकंडक्टर. ठीक है. और सोलर सेल क्या है? सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सनलाइट एनर्जी, ठीक है ना, इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक. अब थोड़ा सा है ना, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो उसका ऑक्साइड जो है ना वो कंडक्टर की जैसे भी बिहेव करता है, इंसुलेटर भी और सेमीकंडक्टर भी. तो बस थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेना है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर. ठीक है ना. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में ही हम लोग उसी को बोलते हैं बैंड थ्योरी भी, जो हम लोग पढ़े थे ना, सोडियम और मैग्नीशियम, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. ठीक है. हाँ, तो हम बता रहे थे कि ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड से ना तीन तरह से बिहेव करता है, कंडक्टर्स भी, सेमीकंडक्टर्स भी और इंसुलेटर भी. ठीक है. तो सबसे पहले है ना कंडक्टर्स. थोड़ा सा तुम लोग को एग्जांपल याद रखना है. ठीक है ना. कंडक्टर्स में हो जाएगा टाइटेनियम का ऑक्साइड, ठीक है ना, वैनेडियम का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड. एग्जांपल थोड़ा देख लेना. ठीक है ना. ये क्या है? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. इंसुलेटर्स, इंसुलेटर किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है. इसमें एग्जांपल है MnO, MnO2, V2O5. थोड़ा एग्जांपल देख लेना है. ठीक है. थर्ड आ जाओ सेमीकंडक्टर. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स पे देख लो, SnO2 हो गया तुम्हारा. ठीक है. तो ये एग्जांपल थोड़ा सा देख लेना है. ठीक है. तो ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हो गया. और थोड़ा सा इसका है ना रेंज को ध्यान रख लेना कि हाँ कंडक्टर का क्या है, इंसुलेटर का क्या है और सेमीकंडक्टर का. तो थोड़ा इसको भी हम बता दे रहे हैं. ठीक है ना. कंडक्टर्स है, ठीक है ना. कंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी होता है 10^8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है. ठीक है. और इंसुलेटर का 10^-12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. और हो गया नेक्स्ट क्या, लास्ट सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स का है 10^-5 to 10^6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये रेंज को थोड़ा ध्यान रखना है. ये ट्रांजिशन मेटल या मेटल का ये क्या है, ऑक्साइड सब है, जो कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है और क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स भी होता है. ठीक है ना. ट्रांजिशन मेटल या मेटल का ऑक्साइड सब. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना और ये सारा रेंज को ध्यान रख लेना. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? खत्म हो गया. अब चैप्टर के लास्ट में हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है.